बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये टोयोटा यारिस 2007 मॉडल है। इसका प्रॉब्लम है कि गाड़ी भागती नहीं है। जितना भी आप स्टेटर दबाओगे ना तो गाड़ी बब बब करके भागती नहीं है। इसका ये प्रॉब्लम है और पेट्रोल का है ना, स्मेल भी आता है, देख सकते हैं। देख रहे, ये देख रहे, पूरा दाब देता हूँ फिर भी गाड़ी भागती नहीं है। गाड़ी बड़ 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 एक्सलेटर देने से ना बड़ 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 जैसा ये साउंड आता है और पेट्रोल का महक बहुत आता है। ऐसा लगता है सर पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है। आप इसके साइलेंसर के पीछे खड़ा हो जाएंगे ना तो आपकी आँख पूरी जलने लगेगी, इतनी पेट्रोल का स्मेल आता है और गाड़ी भागती नहीं। ये इस गाड़ी का कंप्लेन है। कंप्यूटर चेक करता हूँ, कोई सेंसर ख़राब तो नहीं ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। इंजन कंट्रोल में कोई कोड नहीं है। इसका एयरबैग का कोड बता रहा है और एसी का कोड है। तो इसका है ना पेट्रोल ज़्यादा देने का वजह एक होता है मैप सेंसर। मैप सेंसर पैदा बदल के देखता हूँ मैं, तो मैप सेंसर से भी ऐसा प्रॉब्लम होगा ना तो पेट्रोल ज़्यादा देता है। और दूसरा इसका ऑक्सीजन सेंसर या फ्यूल पम्प इंजेक्टर होगी। ये मेरे पास दूसरा मैप सेंसर है, पहले इसका मैप सेंसर बदल के देखता हूँ। इसका मैप सेंसर सी है, टोयोटा सी। इसको खोलता हूँ, इसका पुराना वाला, नया वाला अपने पास से जो है वो सही है, मेरे पास जो है वो अच्छा वाला है, ख़राब नहीं है। तो उसको लगा के मैं चेक करता हूँ, पहले इसको फिक्स करूँगा फिर लगा के चेक करता हूँ। इसका मैं फिर से लगा दिया हूँ दूसरे वाला, तो फिर से लगा के आपको ट्राई करके फिर दिखाता हूँ इसका क्या मसला है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इसका लाइव डाटा ओपन कर लेता हूँ मैं। एक्सीलेटर सेंसर 1 का, सेंसर 2 का, ताकि आपको भी दिखाई देगा ना कि इसका एक्सीलेटर कितना मतलब प्रेस किया हुआ है। और दूसरा इसका आरपीएम स्पीड, इंजन स्पीड जो होता है आरपीएम, वो सिलेक्ट करता हूँ। और लास्ट इसका स्पीड, व्हीकल स्पीड है ना, वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका व्हीकल स्पीड अभी 0 है, अभी गाड़ी खड़ी है ना। और इसका सिलेक्टर नंबर 1 पे 0.84 है और सेंसर 2 पे, तो अभी गाड़ी का भी चला रहा हूँ, देख रहे ना। इसका देखिए एक्सीलेटर कितना है, 2.461, देख रहे, यही आवाज़ आता है इसका, गाड़ी भागती नहीं। इसका एक्सीलेटर देखिए पूरा दबा हुआ है, गाड़ी 15 का स्पीड चल रही है, 15-17, देख रहे, गाड़ी भागती नहीं है, देख रहे। अब गाड़ी भागने लगी, देख, कभी कभी गाड़ी भागती है, कभी कभी भागती नहीं है। देख रहे, देखे अभी फिर नहीं भाग रही है। एक्सीलेटर इसका देखिए कितना पे जा रहा है, दोनों एक्सीलेटर, गाड़ी भाग नहीं रही है। इसका मैप सेंसर बदले किया है, फिर भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं, सेम ही है। तो ये तो कंफर्म है मैप सेंसर का प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका फ्यूल पंप हो गया, इंजेक्टर हो गया या ऑक्सीजन सेंसर, ये तीनों में से है ना चेक करना पड़ेगा तीनों को। पर सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ। पहले ऑक्सीजन सेंसर इसका है ना, एक बार फिर से निकाल के चेक करता हूँ, फिर आपको साथ शेयर करता हूँ। इसका सेंसर ये वाला मैप सेंसर है, ये है, ये जो मैं लगाया था वो वाला है। और ये गाड़ी का है। एक बार इसका है ना ऑक्सीजन सेंसर भी चेक करता हूँ, ये ऑक्सीजन सेंसर का फीसर निकाल के देखता हूँ गाड़ी बराबर चलती है कि क्या। इससे ये ऑक्सीजन सेंसर है ना, आप फीसर भी लगा के चेक कर, ये निकाल के चेक कर सकते हैं। ये इसका फीसर मैंने खोल दिया हूँ, अभी रेस थोड़ा बढ़ गया है अपने आप। इसको आप चेंज करके बाद में चेंज कर सकते हैं, पहले आप इसको है ना नॉर्मल भी चेक कर सकते हैं, पहले से फर्क पड़ जाएगा थोड़ा। अब देखना इसका मोटर काम करता है कि नहीं। ये इसका एक्सीलेटर का है, ये नीचे इंजन का आरपीएम है और ये इसकी स्पीड। अभी देख रहे हैं बराबर काम कर रहा है,
अभी इसका ऑक्सीजन सेंसर का वायर उतारा हूँ ना, तभी इसका बराबर काम कर रहा है। अब देख सकते हैं, देखिए एक्सीलेटर का वॉल्यूम देखिए 1426 पे है, 1.367 पे स्पीड देखिए इसका 65 है। पहले क्या दो दो पे चला जाता था पूरा, एक्सीलेटर दाबने पे भी नहीं भागती थी गाड़ी, देख रहे। अभी गाड़ी अच्छी भाग भी रही है, पहले गाड़ी भागती भी नहीं थी, ऐसा मसला था पहला। और एक्सीलेटर पूरा प्रेस करने पे भी है ना गाड़ी नहीं भागती थी। इसका ये कंफर्म हो गया है कि इसका 100% जो प्रॉब्लम है ना ऑक्सीजन सेंसर का ही है। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर खोला हूँ, देख रहे ऑक्सीजन सेंसर का क्या हालत हो रखी है। इसलिए इसका है ना फ्यूल ज़्यादा जा रहा था, कंप्यूटर को मालूम ही नहीं पड़ रहा था इसका एयर का रेशन क्या है। देख रहे पूरा एक साइड से फूल गया, अंदर से पूरा ख़राब हो रखा है ये। अभी दूसरा ऑक्सीजन सेंसर लगाऊंगा, ये अपने पास ऑक्सीजन सेंसर पड़ा हुआ है, पुराना ही है पर इसका फीसा सेम है, पर सोया ऊपर से थोड़ा सा खाली फर्क है बस, पर लग जाएगा, इसका काम करेगा, दिक्कत नहीं है। इसको लगा के चेक करता हूँ, इसका फीसा दोनों सेम है और सेंसर भी ठीक है, इसका सेंसर ख़राब नहीं है। वो एक्सीडेंट गाड़ी हो गया था तो उससे खोला हुआ है। ऑक्सीजन सेंसर लगा के आपको दिखाता हूँ, टाइट हो गया है। अभी गाड़ी माशाल्लाह बढ़िया है, देख रहे गाड़ी अच्छी खासी भाग भी रही है, पहले गाड़ी भागती नहीं थी। इसका यही मसला है और कोई मसला नहीं था, ऑक्सीजन सेंसर ही ख़राब था। पहले मैप सेंसर देखा तो अपना ऑक्सीजन सेंसर में जो फॉल्ट था ना वो क्लियर हो गया है। अगर वो क्लियर नहीं होता ना तो फिर इसका फ्यूल पंप का प्रेशर देखते हैं, इंजेक्टर देखते हैं, पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा पीता था और इसका स्मेल भी बहुत आता था पेट्रोल का। तभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बराबर हो गई है। और इसका मसला है ना कि कंप्यूटर में इसका चेक करने पे ना कोई कोड भी नहीं आ रहा था, इसके लिए इसको है ना सिस्टम से चेक करना पड़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।